दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sport 95 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Vivo Pro कबड्डी सीजन 8 का फाइनल पटना पायरेट्स वर्सेस दबंग दिल्ली KC इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कल के सेमीफाइनल्स पर नजर डालते हैं। देखा जाए तो कल के सेमीफाइनल 1 में पटना पायरेट्स ने UP औदा को 11 पॉइंट के अंतर से हराया है और सेमीफाइनल 2 में दबंग दिल्ली KC ने बेंगलुरु बुल्स को 5 पॉइंट के अंतर से हराया है। तो दोस्तों आज के इस मैच प्रीव्यू के वीडियो में हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देखेंगे, बाद में हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, फिर हम दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे और आखिर में हम दोनों टीमों की प्रेडिक्शन करेंगे। दोस्तों अब प्रो कबड्डी का सीजन 8 खत्म हो चुका है, इसलिए अगले कुछ दिनों से हम IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। पहले तो हम पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। तो पटना की स्टार्टिंग 7 में हमें सचिन, मोहम्मद रेजा, शादलू, गुमान सिंह, मोनू गोयत, शुभम शिंदे, नीरज कुमार और सचिन चंद्रशेखर ये खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं। तो अब हम दबंग दिल्ली KC की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। तो दिल्ली की स्टार्टिंग 7 में हमें नवीन कुमार, विजय मलिक, जोगिंदर सिंह नरवाल, मंजीत चिल्लर, आशु मलिक, जीवा कुमार और संदीप नरवाल ये खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 काफ़ी मजबूत लग रही है। तो अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखते हैं। तो दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीमें आपस में 14 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें पटना पायरेट्स ने 7 जीते और दबंग दिल्ली KC ने 6 जीते, तो एक मैच टाई रहा है। लेकिन दोस्तों इस सीजन के दोनों ही मैच दबंग दिल्ली KC ने जीते हैं, तो देखा जाए तो दोनों टीमें सेम ही चल रही है। दोस्तों हमने दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस तो देख लिए, तो अब हम दोनों टीमों को एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों टीमों का पॉइंट टेबल का प्रदर्शन देखते हैं। पॉइंट टेबल का प्रदर्शन देखा जाए तो पटना ने 16 मैच जीते हैं और 86 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है और दबंग दिल्ली KC ने 12 मैच जीते हैं और 75 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर है। दबंग दिल्ली KC भले ही नंबर 2 पर हो, लेकिन इन दोनों टीमों में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो दोस्तों चलिए अब हम आखिर में दोनों टीमों की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अगर दोनों टीमों के रेडिंग की बात करें तो दोनों टीमों की रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर पटना पायरेट्स काफ़ी आगे है दबंग दिल्ली KC से, और पवन सहरावत, प्रदीप नरवाल और मनिंदर सिंह जैसे रेडर्स भी पटना पायरेट्स के डिफेंस को नहीं रोक पाए, और पटना का डिफेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि नवीन कुमार भी उसे नहीं रोक सकते। तो अब हमारे हिसाब से ये मैच पटना पायरेट्स की टीम जीत सकती है और दबंग दिल्ली KC की टीम लगातार दूसरे फाइनल में हार सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।